हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा प्राचीन भारत का इतिहास। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी वीडियो है हमारी उनको देखने के पश्चात में लाइक या कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हमको आपको ये वीडियो, हमारा जो ये छोटा सा प्रयास किया गया आपके लिए, ये कैसा लगा। तो अब मैं बताऊँगा आपको प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद व सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद में आता है सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। उससे आगे क्वेश्चन आता है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस में मिलता है। तो वो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। अगला क्वेश्चन है, फिर राज तरंगिणी का लेखक कलहन था। उसके बाद में आता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम अक्सर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में, हिस्टोरी का है। और आग का आविष्कार प्रापाषाण काल में तथा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अब मैं आपको बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी और इसमें सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसमें जुते खेत के प्रमाण कालीबंगा में मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल में मिले थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थान है और सिंधु सभ्यता वासियों ने नगरों व घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ध्यान रखना, यह प्रश्न बहुत अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता वासियों ने नगरों व घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन आता है, कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद में सिंधु सभ्यता के वासी मातृ देवी की पूजा करते थे। फिर उसके बाद में आता है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल व सुतकोतदा थे। मैं आपको प्रमुख जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि वो कौन कौन से स्थल हैं। पहला है हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज या उत्खनन कार्य इसका दयाराम साहनी ने किया था, या खोज इसकी मतलब दयाराम साहनी ने की थी। और ये रावी नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता स्थित है। दूसरी है मोहनजोदड़ो, इसका उत्खनन कार्य राखलदास बनर्जी ने किया था और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है तथा यह भी पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा, बीबी लाल बी के थापर ने इसका उत्खनन कार्य किया था और यह घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है, श्रीगंगानगर जिले में। उसके बाद चनूहदड़ो आती है, जो इसका उत्खनन कार्य गोपाल मजूमदार और सिंधु नदी के किनारे पर यह सभ्यता पाई जाती है और पाकिस्तान में स्थित है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को प्रिंट के लिए, जैसे आप प्रिंट मारना चाहते हैं इन क्वेश्चनों को, तो आप हमारा ब्लॉग है gkbhandar.blogspot.in पर आप वहाँ पर जाके जितनी भी वीडियोज हैं उनके संबंधित सभी प्रश्नों को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, वहाँ से टाइप देख भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।